हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 25th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ग्वान ने डार्क सोल्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, जिसमें वो हेवन के लोगों को अरेस्ट करने लगा है। और इधर रूलाई के कहने पर मंकी किंग भी हेवन तक पहुँच चुका है। उधर जेंग और उसके साथियों का मुकाबला नाजिया से होता है और वो उससे निपटने का एक प्लान बनाते हैं। सैंडी उसे अपने रेत के तूफान में कैद कर लेता है और इस वजह से ओलेंग की सोल उससे छूटकर दूर जाने लगती है। सैंडी बीटल से वापस अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ओलेंग को पकड़ पाए, नाजिया वहां आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि एक बीटल बनकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। फिर वो उसे उछालकर दूर फेंक देता है और ओलेंग एक बार फिर उसके कब्जे में आ जाती है। बाजी भी अपने डीमन रूप में आकर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो भी ओलिंग तक नहीं पहुंच पाता और नाजिया उसे जमीन पर पटक देता है। इधर ओजू ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन ओजी और बाइलिंग उसे वहां से नहीं भागने देते और कहते हैं कि ये वक्त हिम्मत दिखाने का है, ताकि हम तुम्हारी दोस्त को बचा सके। ओजू को कुछ समझ नहीं आता और बाजी को भी लगता है कि शायद वो कंफ्यूज हो रहा है। तब नाजिया कहता है कि ये मास्टर और स्टूडेंट का खेल अब बहुत हो चुका और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने जानबूझकर ओजू को भड़काया था ताकि उसके थ्रू तुम मुझ तक पहुँच सको, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी किसी काम नहीं आएगी। वो उनकी हिम्मत की दाद देता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान तो एकदम बढ़िया था, लेकिन इसे तुमने गलत आदमी पर आजमाया है और अब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जेंग को भी लगता है कि अब इससे बचने का बस एक ही तरीका है और वो है इसका जमकर मुकाबला करना। नाजिया को उनकी नादानी पर हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक मॉन्क और कुछ डीमंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जेंग उसे बताता है कि हमारा साथ देने के लिए यहाँ एक ड्रैगन योद्धा भी है। फिर वो ओजू को अपना साथ देने को कहता है, लेकिन नाजिया पर नजर पड़ते ही ओजू के पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। नाजिया भी ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो सूत्रा खुद ही मेरे सामने आ गया है, तो वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने आप ही उसे हासिल कर लूंगा। ये सुनकर जेंग अपने लोगों से उस पर अटैक करने को कहता है और वो उसे अलग अलग दिशाओं से घेरने लगते हैं। नाजिया किसी तरह उन्हें रोक लेता है और देखता है कि बाइलैंग ड्रैगन फॉर्म में उसी की ओर आ रहा है। ये देखकर वो अपनी स्टिक से एक तूफान पैदा करता है और उसकी पावर जेंग और उसके साथियों को उड़ाकर दूर फेंक देती है। फिर नाजिया ओजू की तरफ बढ़ता है और वो जान बचाने के लिए ओजू से हेल्प मांगती है, लेकिन वो डर के मारे उसकी कोई मदद नहीं कर पाता और ऐसा लगता है जैसे ओजू का बचना इम्पोसिबल है। तभी सैंडी उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो और ओजू सेफली अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं। नाजिया को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब तुम एक प्राचीन ड्रैगन की असली ताकत देखोगे। जेंग भी समझ जाता है कि उन्हें नाजिया से बचकर रहना होगा, क्योंकि जो आदमी ओजू को डरा सकता है उसकी शक्तियाँ वाकई खतरनाक होंगी। बाजी को ओजू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जेंग कहता है कि आखिर में वो हमारा ही साथ देगा। फिर वो बाजी और बाइलेंग से नाजिया पर अटैक करने को कहता है ताकि खुद किसी तरह उसके करीब पहुंच सके, और ये देखकर नाजिया को हंसी आ जाती है। बाजी और बाइलेंग अपनी अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगते हैं और मौका देखकर जेंग उस तक पहुंच जाता है। वो पीछे से उसे कसकर पकड़ लेता है और इसका फायदा उठाकर सैंडी ओलिंग को छुड़ाने आता है, लेकिन नाजिया उसे ऐसा नहीं करने देता। यही कोशिश बाजी और बाइलेंग भी करते हैं, पर उन्हें भी सैंडी की तरह मात खानी पड़ती है। तब जेंग मदद के लिए ओजू को पुकारता है, लेकिन नाजिया कहता है कि वो ऐसी गलती नहीं करने वाला और पलट कर उल्टा जेंग को ही पकड़ लेता है। फिर वो उस पर अपनी लाइटनिंग पावर यूज करने की सोचता है और जेंग को मुसीबत में देखकर ओजू फाइनली अपनी हिम्मत जुटा लेता है और उसके एक ही पंच से नाजिया दूर जा गिरता है। वहाँ सैंडी अपनी चेन से उसे जकड़ लेता है, जिसके एक सिरे पर बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ है, और बाजी उसे उठाकर नीचे घाटी में फेंक देता है। अचानक ओजू को ओलिंग का ध्यान आता है, लेकिन वो देखते हैं कि जेंग ने ऑलरेडी उसे बचा लिया है। फिर वो जल्दी से उस घाटी को क्रॉस करने की सोचते हैं और ओजू उन्हें बताता है कि नाजिया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उसके आने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। वो सब तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं और जेंग ओजू से कहता है कि हमें तुम्हें अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन हमें डर था कि तुम शायद हमारी बात नहीं मानोगे। फिर वो उसे पूरी बात बताता है कि कैसे हमें तुम पर पहले से ही शक हो गया था और हम जान गए थे कि तुम यहाँ सूत्रा को चुराने आए हो।
तभी हमने ये सारा प्लान बनाया ताकि तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। ओजो भी इन सब के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और तभी वो देखते हैं कि वो उस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं और अब शायद नाजिया उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। तब सैंडी बताता है कि मैं अपने स्पेल लॉक को महसूस कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि नाजिया उससे आजाद हो चुका है और ओजू ये सुनकर घबरा जाता है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और वो देखते हैं कि नाजिया घाटी से बाहर आ गया है। नाजिया उन्हें वॉर्न करता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और अब सूत्रा के साथ साथ तुम सब भी मारे जाओगे। वो ओजू से भी बहुत निराश होता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी और फिर भी तुमने मुझे ये धोखा दिया। वो उसे मरने के लिए तैयार होने को कहता है लेकिन ओजू उसे बताता है कि हमारा मेन मकसद तो ओलिंग को बचाना था, लेकिन अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैंग भी उसे अपनी जिद छोड़ने को कहता है और बताता है कि सूत्रों को खाने से पहले तुम्हें उजी से निपटना होगा। उजी भी नाजिया को बहुत बुरी भली सुनाती है और कहती है कि मैं भी एक ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती हूँ और तुम मुझे इस तरह नहीं डरा सकते। तब नाजिया उन्हें अपनी ड्रैगन फॉर्म दिखाता है और उससे आए तूफान से उजी घाटी में गिरने लगती है, लेकिन बायलंग किसी तरह उसे पकड़ लेता है। ओजू को लगता है कि अब वेट करने से कोई फायदा नहीं है और वो अकेला ही नाजिया से लड़ने चला जाता है। वो उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है लेकिन नाजिया कहता है कि ये पावर भी मैंने ही तुम्हें दी थी और तुम मुझे ही इससे डराना चाहते हो। ये कहकर वो उसे दूर उछाल देता है और फिर एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है। वो कहता है कि जैंग ने 10 साल तुम्हें घोड़ा बनाकर रखा था, फिर 16 साल तुमने उसकी कैद में गुजारे और फिर भी तुम उनकी गुलामी कर रहे हो। वो उसे जैंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि वो तो बस तुम्हारा यूज कर रहा है और उसे याद दिलाता है कि ड्रैगन क्लैन ने भी तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, बल्कि वो तो तुम्हें मारना चाहते थे। ऐसी हालत में मैंने तुम पर तरस खाया और तुम उल्टा मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहे हो। फिर वो अपनी पावर से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बाजी बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि ओजू हमारी टीम का अहम हिस्सा है और उससे पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। सैंडी भी मौका देखकर उस पर अटैक करने आता है लेकिन नाजिया के सामने उसकी एक नहीं चलती और उसे रेत में बदलकर भागना पड़ता है। तभी अचानक जैंग उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम मेरी टीम के फ्यूचर का फैसला नहीं कर सकते। इधर बायलैंग भी उजी को बचाकर ऊपर आ जाता है और देखता है कि नाजिया का तूफान थम चुका है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि डार्क सोल वाले ज़ॉम्बीज यहाँ भी आ पहुँचे हैं। ओजू की हालत भी बहुत खराब होती है और तभी वो भी उन ज़ॉम्बीज को आते हुए देखता है। जल्द ही ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट होने वाली है। आगे का सीन शेडो होल का है जहां डाई शीटियान बताता है कि ग्वान ने काफी सारे देवताओं को अरेस्ट कर लिया है और टाइम आने पर उसे भी मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। वो उन सभी कैद किए हुए देवताओं को भी मारने का प्लान करता है और कहता है कि इससे हेवन पूरी तरह डार्कनेस से भर जाएगा। आगे हम हेवन की फ्लोटिंग प्रिजन को देखते हैं और पता चलता है कि मंकी किंग भी घूमते हुए यहीं आ पहुंचा है। वहां दूर उसे कैद किया हुआ जनरल यैन दिखाई देता है और वो छुपकर उसे टोंट करने जाता है। वो कहता है कि देवताओं को अरेस्ट होते हुए तो मैंने भी देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे जैसे जनरल को भी पकड़ लेंगे। वो उसकी ऐसी हालत का बहुत मजाक उड़ाता है और यैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये मंकी यहाँ क्या कर रहा है। तब मंकी किंग उसे अपनी असलियत बताता है और उसकी गोल्डन स्टिक को देखकर यैन भी उसे पहचान जाता है। मंकी किंग उससे अपना बदला लेना चाहता है लेकिन एंड टाइम पर अपने वार को रोक लेता है और कहता है कि मैं एक निहत्ते को मारकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। यैन भी उसके छोटे रूप का मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक बच्चा भला मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। तब मंकी किंग उसे अपना डीमन रूप दिखाता है और बताता है कि एक कैदी को इतना प्राउड नहीं होना चाहिए। यैन भी उसे समझाता है कि तुम चाहे किसी भी काम से आए हो लेकिन यहाँ सिचुएशन बहुत बदल चुकी है और तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मंकी किंग उसे कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और फिलहाल तो तुम्हें अपनी कैद को एंजॉय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे साउथ सी में मैंने की थी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस पर यैन कहता है कि ये तो बस एक टेम्परेरी कैद है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।